नमस्कार बंदे मातरम हम आहुम्स के ऊपर इस श्रृंखला में पिछले एपिसोड में हम एक इंट्रोडक्टरी सेशन रखे थे तो उसमें एक बैकग्राउंड हिस्ट्री जो असम का और किस तरह बाहरी जो भी आक्रमणकारी या जो भी माइग्रेट होके यहाँ आके सेटल हुए थे इनके जरिए जो एसिमिलेट यहाँ के साथ एसिमिलेट हो गए और जो इस्लामी आक्रमणकारी और ब्रिटिश जो अपना ही जो भी कल्चर और रिलीजन एक्सेट्रा यहाँ के ऊपर नेटिव्स के ऊपर थोपे गए यहाँ इम्पोज किए गए इवन इन लोगों ने जो भी हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर और जो भी हमारा यहाँ के जो अर्थव्यवस्था पे असर डाले और जो जैसे कुशन के बारे में हमने बताया सकास अतरफ्स के बारे में बताया जो यहाँ आके यहाँ के हो गए यहाँ एसिमिलेट हो गए ठीक इसी तरह अहूम्स लोग भी मंगमाओ रीजन जो एक ताई राज्य है वहाँ से ये लोग आए हुए थे और यहाँ से यह भारत में ये लोग अरुणाचल प्रदेश और अपर असम में पहला उसी जगह में सेटल्ड हो गए उसके बाद इन लोगों का साम्राज्य बढ़ा और जो प्रमुख राजवंश जो असम में इन प्रमुख राजवंशों में से अहूम एक राजवंश है इन लोगों ने इस्लामिक आक्रमणकारियाँ पहले जो बंगल सल्तनत उसके बाद मुगल्स इन लोगों के विरुद्ध लड़े और ये लोग जीते और इस्लामी आक्रमणकारियों को मतलब ये मौका नहीं मिला कि यहाँ वहाँ वो सेटल हो जाए या राज करें तो अभी आहूम्स के जो ओरिजिन है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे तो सुकफा पहला अहम राजा थे जिन्होंने अहम राजवंश का उन्होंने यह शासन शुरू किया था उनका जो पहला राजधानी था वो है चराईदेव चराईदेव शिव सागर से थोड़ा सा दूर है तो चराईदेव की बात हम जब करते हैं तो चराईदेव मैदान के बारे में रिसेंटली पूरा न्यूज में चर्चे में है अपना न्यूज़पेपर टेलीविज़न में चरादियों मैदान और चरादियों के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है कि 2023 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चरादियों मैदान को नामांकित नॉमिनेशन किया था एज ए वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए और अभी रिसेंटली 26 जुलाई में चरादियो मैदान एक फॉर्मली डिकलर किए गए कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो चरादेव मैदान क्या है चरा देव मैदान जो एक तो पहला राजधानी था यह अहम लोगों का और सुखफा ने इस राजधानी को बसाया था चरा में मैदान जो है ये टोम होता है टोम का मतलब ये जो आ, बरियल ग्राउंड बोलते हैं ये चर देव मैदान को जितने भी टोम्ब से बरीयल ग्राउंड है जो इजिप्ट के पिरामिड्स के साथ कंपेयर किया जाता है पिरामिड्स बहुत ही ह्यूज मोन्यूमेंट्स स्ट्रक्चर्स है या जो चरादियों का मैदान है ये एक स्मॉलर वर्जन ऑफ द पिरामिड्स है ये छोटे वर्जन में है ज्यादातर ये टू स्टोरीज में है तो ये प्रश्न उठती है कि क्योंकि यहाँ चरादियों मैदान में ज्यादातर जो भी अहोम राजवंश के जो रॉयल फैमिलीज है उनका जो भी देहांत होते थे यहाँ उनका आ, बड़ी किया जाता था ये ग्रेवयार्ड भी एग्जेक्टली exactly नहीं बोला जा सकता है क्योंकि रिचुअलिस्टिक इसका पूरा जो बारियल राइट्स होता था वो होता था उसके बाद इसका पूरा आर्टिफैक्ट्स मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे हैं चरा में तो कई सारे मैदाम्स हैं मतलब कई सारे टूम्स है ये जितना अहम रॉयल्टी के जितने लोग भी मृत्यु हुए उनका यहाँ उनके टॉम्स यहाँ पे है मैदान है उनके मैदान है तो ये सवाल उठती है कि आहोम के जो रॉयल्टी आहोम का जो राजा है या रानिया उनके जो भी राजवंश थे वह उन लोगों का जब भी मृत्यु होता था उनका बड़ी किए जाते थे मैदान में चरा मैदान में ऐसे क्यों उनका दाह संस्कार जैसे कि अग्निदाह क्यों नहीं होता था तो हम जब हिंदू संस्कृति के बारे में बात करते हैं जो अंतिम संस्कार अंत्येष्टि क्रिया जो होती है वो तीन प्रकार के होते हैं एक अग्निदा एक भू समाधि एक जल समाधि जो हमारे हिंदू धर्म के जो साधु संत है और जो बच्चे हैं, उनको भू समाधि मतलब उनको बरी किया जाता है या तो उनका जल समाधि होता है वाटर में उनको दे आर फ्लोटेड इन द water आफ्टर फॉलोइंग रिचुअल्स रिचुअलिस्टिक होता है यह भी ट्रेडिशंस के साथ मनाए जाते हैं तो आहुम जो रॉयल्टी है उनका भी इसी तरह होता था लेकिन ये सिर्फ बरी जो उनका जो बारियल होता उसी में सीमित नहीं था कई सारे अहोम राजाओं ने ये मृत्यु से पहले उनका ये इच्छा प्रकट किए थे कि उनका पहले अग्निदा हो अग्निदा हो और अग्निदा के बाद जो भी आशीर्ष राख है वो बारी किया जाए तो आहुम राजा राजेश्वर सिंहा का भी पहले जब उनका मृत्यु हुआ पहले उनका अग्निदा हुआ उसके बाद जो भी जो राख थे वो चरादियों मैदान में वो राख बड़े किए गए तो आज वो मैदान एक टूरिस्ट स्पॉट है कई कई जगहों से वहाँ आ, टूरिस्ट आते हैं वो अहम मोन्यूमेंट्स जो वो देखने के लिए जो एंसेस्ट्रल वर्शिप है लोग मैदान मैफी मैदम मतलब ये टोम्ब है जो बरियल ग्राउंड एंसेस्टर के प्रति वे डेडिकेटेड है तो ये हर साल मैदम महफी मनाते हैं मैदम मफी एक्चुअली वर्शिपिंग ऑफ द एंसेस्टर्स पूर्वजों को पूछते हैं जैसा मैं अपर आसाम तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ मेरे घर के बिल्कुल सामने एक मैदम मफी का मंदिर है वहां हर साल दो बार एक तो सुकफा दिवस जो आहुम राजवंश का जो जिसने शुरू किया था आहुम राजवंश यहाँ असम में वो सुकफा थे वो 1228 हंड्रेड सीई में उन्होंने शुरू किया था यहाँ राज्य तो उनका जो दिवस होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है और एक मैदम मफ़ी मैदम मफ़ी एंसेस्ट्रल वर्शिप है उसी मंदिर में सेलिब्रेट किया जाता है और आहुन कम्युनिटी में मैं एक छोटी सी इंसिडेंट वो इतिहास से हटकर है तो क्योंकि मैं हम लोग के बिल्कुल सामने मैदम मफी का मंदिर है वहाँ एक बहुत बड़ा एरिया है वहाँ एक फील्ड है मंदिर एक कोने में है तो हमारी एट इयर्स पहले हमारी माँ का देहांत हो गया था तो हमारा हम बिष्णुप्रिया मणिपुरी कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं तो हमारा शुरुआत के जो तेरह दिन है वो रिचुअल्स होते हैं हर दिन तो इसमें कुछ कुछ रिचुअल्स बहुत बड़े तरीके से होते हैं हमारा एंसेस्टर्स को इन्वोक करते हैं उस रिचुअल्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है तो मणिपुरीज का हर पंद्रह बीस फैमिली का एक टेम्पल्स हुआ करता है तो उसी टेम्पल्स में ये सब रिचुअल्स वहाँ मनाया जाता है कुछ कुछ छोटे रिचुअल जो है घर में करते हैं और जो तेरवी होता है वो मंदिर में करते हैं तो हमारे घर के सामने इतना बड़ा फील्ड है मफी का मंदिर है वहाँ अहम लोगों का तो हमने सोचा कि यहाँ रिक्वेस्ट किया जाए और यहाँ हम लोग वो पंडाल करके हम लोग जो सारे जो रिचुअल्स से है वहाँ सेलिब्रेट करेंगे तो हम लोगों ने अहूम कम्युनिटी का जो लीडरशिप है वहाँ हमने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने अलाउ किया तो एक ही ऑब्जेक्टिव है हमारा भी ये हमारी मातृ हमारा जो माता है उनकी पूजा और हमारी एनसेस्टर्स का इन्फॉर्मेशन उनकी पूजा होगी और इवन जब मैदम वफी टेम्पल है वहाँ एनसेस्ट उनकी हम लोगों का एनसेस्टर्स की पूजा होती है इसीलिए उन लोगों ने हम लोगों को अलाउ किए तो वहाँ के एज फार एज आई कैन टेल हंड्रेड परसेंट ये कभी किसी को किसी भी सेलिब्रेशन के लिए वो जगह दिए नहीं गए लेकिन हमारी जो वो श्राद्ध सेरेमनी के लिए वो जगह हमें दिए गए क्योंकि वो एनसेस्टर वर्शिप के लिए ही वो जगह है तो ये आहूम्स कहाँ से आए थे ये तो हमने डिस्कस किया तो उनका ओरिजिन क्या है आहुम्स लोगों का तो आप लोगों ने सूर्यवंशी चंद्रवंशी इसके बारे में तो आपने सुना होगा सुना है ज्यादातर जो भी भारतीय है मेजर रिटी ऑफ द भारतीय दे ट्रेस देयर एनसेस्ट्री टू इधर बिंग ए सूर्यवंशी और ए चंद्रवंशी जैसे श्री राम एक सूर्यवंशी थे श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे आहुम्स श्लोक अपने आप को इंद्रवंशी मानते हैं यह कैसे कुछ कुछ आहुम राजा आए उन लोगों ने अपने नाम में जो प्रिफिक्स है वो टाइटल है जो वो स्वर्ग नारायण पहला आहुम राजा जिन्होंने स्वर्ग नारायण टाइटल यूज किया था वो राजा सुहंगमुंग थे उसके बाद सुहंगमुग के बाद जितने भी आहुम राजाएं थे उन लोगों ने स्वर्गदेव टाइटल यूज किया स्वर्गदेव या स्वर्ग नारायण नारायण स्वर्ग नारायण मीन्स नारायण ऑफ हैवन स्वर्ग देव देवो मीन्स देवता स्वर्ग मीन्स हैवन तो अपने आप को स्वर्ग का देवता मानते हैं तो so, इसके पीछे भी इनका जो ओरिजिन है उसके बारे में हमें बताते हैं सुहुंग मुंग ने एक हिस्ट्री लिखवाया था अपने कोर्ट हिस्टोरियन से उसमें आहुम जो भी का जो इतिहास है उसका जो ओरिजिन है उसके बारे में बिल्कुल जो हमारा हिंदू धर्म के साथ रिलेट करके उन्होंने वो लिखवाया था वो बुरंजी असामिस में बुरंजी बोलते हैं हिंदी में बुरंजी का मतलब इतिहास है मतलब हिस्ट्री है तो उसमें इन डिटेल वहाँ लिखा गया है इस किताब में उससे पहले भी जो भी आहुम बुरंजी आहुम हिस्ट्री है क्रॉनिकल्स है उसमें आहुम के ऑरिजिन के बारे में बताया जाता है जैसे कि आहुम ट्रेडिशंस में इंद्र को लैंगडॉन बोलते हैं जैसे अनेक अनेक हम लोग ज्योग्राफिकल टेरिटोरीज की बात करते हैं तो अनेक अनेक अलग अलग, अलग जगहों में इंद्र का अलग अलग नाम से पुकारते हैं बोलते बताते हैं जैसे चाइना में इंद्र को युतोलुओ बोलते हैं और कोरिया में जैसोक्न बोलते हैं इंद्र को इंडोनेशिया में बथेरा बारथेला इंद्र बोलते हैं तो इसी तरह आहूम्स लोग इंद्र को लेंगदोन बताते हैं और आहुम टोनिकल्स में लेंगदन को उनका जो वेपन्स है उसको बजरा बोलते हैं उनका गॉड ऑफ थंडर भी बोला जाता है किंग ऑफ हेवन भी बोला जाता है तो ये सारे जो भी एट्रीब्यूट है जो गुण है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा जो हिंदू देवता इंद्र के साथ वो जुड़ा जाता है तो इंद्र से क्योंकि ये, ये डिसेंट मानते हैं और इंद्र का बेटा था स्वर्गदेव स्वर्गदेव का बेटा था तो जो स्वर्गदेव है उन्हीं से स्वर्गत टाइटल आहुम राजा ने यूज करना शुरू कर दिए तो ये जो ओरिजिन है पहले ये जो सुकफा जो जिस आहुम राजा ने यहाँ आसम में अपना राज्य स्थापित किया था उसके पहले कई हजार साल पहले उनका जो वन ऑफ द फर्स्ट एंसेस्टर्स टू बी बोर्न ऑन अर्थ टू डिसेंड ऑन अर्थ वो जो राजा थे वो इंद्र ने खुद भेजा था यहाँ राज करने, करने के लिए वो मंगमाओ जगह जो है ताई जो राज्य है वहां भेजा गया था तो वहां जब खुनलुंग दो ब्रदर्स है इन दोनों को इंद्र ने खुद भेजा था इनको भेजते भेजते थे, भेजते वक्त इन लोगों को दो मूर्तियां दिए गए थे एक चम और एक शैम चम को सोमदेव भी बोलते हैं और शैम को सेमदेव भी बोलते हैं तो सोमदेव और सेमदेव देव का मतलब देवता और चुम और सेम तो ये दोनों देवता आहुम जो राजा है उनके साथ ही मतलब ये दोनों मूर्तियां रखना होता है ये मूर्तियां एक गोल्डन एक कैस्केट के बॉक्स के अंदर रखा जाता है वो शुद्ध तरीके से रखा जाता है जब इंद्र ने दिया था तब इंद्र ने ये कहा था कि ये जमीन पे कभी गिराना नहीं चाहिए नहीं तो जब भी ये जमीन पे गिर गया तो उस राजा का नाश होगा वो प्रजा मतलब ये प्रोटेक्शन एंड उसके लिए ये दो मूर्तियां दिए गए थे तो उस समय से जब से ये खुनलुंग माओ जी ने मंगमाओ राज्य में ये दोनों मूर्तियां लाए थे तब से उनको पूछते थे और इंद्र ने ये भी कहा था मतलब इंद्र मतलब आउम ट्रेडिशन में लेंगदौन लेंगदौन ने दोनों को ये भी कहा था कि साल में एक बार या दो बार जरूर इनको बॉक्स से निकालोगे और इनको पूजोगे रिचुअलिस्टिक तरीके से इनको पूजोगे जब भी पूजोगे तो यहां से आठ लाख देवता जमीन पे मतलब करेंगे और आप सबको आशीर्वाद देंगे तो जब जब भी इन मूर्तियों का पूजा होगा तो अहुम जो भी राजा पहले मंगमाओ जो, में जो भी ये तायाहूम बोलते है तायाहूम ने जब भी ये वहां स्थापित किए ये लोगों ने जहां ये वास करते थे रेसिडेंट्स हुआ करते थे रेसिडेंट्स के बिल्कुल पास ही इनका सेपरेट टेम्पल्स हुआ करते थे वहाँ इंस्टॉल किए जाते थे ये बॉक्सेस तो बंद उसमें रखते थे और आ, गार्ड करने के लिए एक गार्ड आ, रखते थे ये लोग क्योंकि ये कोई और लोग इसको छूना नहीं चाहिए और लोग इसको देखना नहीं चाहिए उस समय जब ये गार्डन रहता है और जब सेरिमोनी होता है तो एक बहुत बड़े लेवल पे एक सेरिमोनील बात दिया जाता है ये दोनों मूर्तियों को और स्पेशली आहूम ट्रॉनिकल्स में चुम जो बोलते हैं जो सोमदेव है उनको ज्यादा महत्व देते हैं तो जब उस मूर्ति को जब कैस्केट से बाहर निकालते हैं साल में दो बार निकालते हैं एक माघ महीना में जो जनवरी फेबररी मंथ में ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जनवरी फेबररी में आता है और एक मार्च अप्रैल जो चैत्र के लास्ट वाले दिन होता है उस दिन ये निकालते हैं तो साल भर में ये लोग दो, दो दिन ये आ, उन मूर्तियों को बाहर निकालते हैं बॉक्स से और उसको रिचुअलिस्टिक तरीके से नहलाते हैं वो जो नहलाने का तरीका है जैसे हम लोग हिंदू धर्म में हम लोग क्या करते हैं या जो गंगा जल से नहलाते हैं हम दूध से नहलाते हैं ठीक इसी तरह हम ट्रेडिशंस में भी ये दूध यूज करते हैं एक गथिया बोल के एक जड़ होता है पैर का सेंटेड रूट ऑफ ए ट्री उस रूट से इनको नहलाते हैं दे ऑल्सो यूज सेंट्स वाइल्ड बैदिंग द डिटीज तो ये दो बार जब करते हैं तो इनका जो सेरेमनी है जब नहलाते उस पानी से जो भी ये सेरेमनी में अटेंड करते हैं वो पानी सब पे छिड़का देते हैं और उसके बाद जब इनको रखते हैं दोबारा बॉक्सेस में जाके रखते हैं उससे पहले एक इनका वो सेरेमनी पार्ट ऑफ सेरेमनी बहुत ये मस्ट है जरूर करते हैं वो है एक बट वृक्ष और एक पीपल का वृक्ष जो एक बनियान ट्री और एक पीपल ट्री उनका सेप्लिंग लगाना इनमें इनके कल्चर में मस्ट है तो यह हमारे हिंदू ट्रेडिशंस में भी हम लोग पीपल ट्री बनियान ट्री को हम बहुत महत्व देते हैं हमारे संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं ऐसा कहता कहा जाता है वह देवताओं का वास होती है इन दोनों वृक्षों के जर में तो अहुम ट्रेडिशंस में भी जब ये दोनों मूर्तियां जब रखे जाते हैं उससे पहले दो तो ये दोनों पेड़ सेप्लिंग लगाए जाते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है अहोम राजाए जो चरादेव मैदान है वहां पर रिचुअलिस्टिक तरीके से ये दोनों पैरों को सेप्लिंग वो लोग लगाते हैं और इसके अलावा जो अहुम राजा का जो कॉरोनेशन सेरेमनी होता है जब भी अहुम राजा का बेटा जब उनको क्राउन प्रिंस बनाते हैं या जब वो राजा बनता है तो एक कॉरोनेशन सेरेमनी होता है राज्य अभिषेक जो बोलते हैं हम लोग उस राज्य अभिषेक सात दिन तक चलता है सातों दिन आ, हर अहोम राजा का ये फॉलो करते हैं कि जो सोमदेव है वो जो मूर्ति है उस मूर्ति को गले में धारण करते हैं, वो पूरा पब्लिक व्यू में वो गले में सात दिन तक धारण करते हैं, और सात दिन तक आ, इनके पूजा पाठ होती है रिचुअलिस्टिक तरीके से और जब करोनेशन सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है तो वापस उस बॉक्स में आ, जो चम और सेंग मतलब सोमदेव और सेंगदेव दोनों को रखा जाता है सोमदेव को जो गले में एक लॉकेट की तरह वो धारण करते हैं और जब भी ये गले में वो धारण करते हैं और जब भी ये जैसे कि मैंने बताया माघ महीने में और चैत्र की पह, लास्ट वाले चत्र के दिन में जब रिचुअलिस्टिक जो पूजा होती है तब पूरा वातावरण जो भी वहां पूजते हैं उस इलाके को पूरा बहुत साफ सफाई करते हैं जैसे हम दिवाली में जब लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो पूरा बहुत साफ सफाई पूरा घर को साफ सफाई करते हैं पहनते भी पूरा साफ कपड़े पहनते हैं ठीक उसी तरह अहम ट्रेडिशंस में भी जब ये सोम और शैंग को बॉक्स से निकाल कर पूजते हैं तो पूरा जगह को पूरा साफ करते हैं पूरा इलाके को साफ करते हैं और जो क्योंकि ये सिर्फ राजघराने का जो है जो राजा है वही उसको धारण कर सकता है ड्यूरिंग कॉरोनेशन या वही उनको पूछ सकते हैं तो जब वो निकालते हैं तो वो लोग वाइट कपड़े पहनते हैं तो बिल्कुल वाइट प्योर माना जाता है इन इनाहम ट्रेडिशंस वाइट प्योर माना जाता है इवन इन आवर सनातन हिंदू संस्कृति तो इससे वो जो पैरल है सनातन संस्कृति और जो आहुम जो संस्कृति ट्रेडिशंस है ये सिमिलर है एक मिसकनसप्शन है कि जैसे कि पहला मिसकनशन ये है कि वो फॉरिनर्स है दूसरा मिसकनशन ये है कि वो हिंदू नहीं है तो इन दोनों कंसेप्शन को हम लोगों ने डिबंक किया है कि पहले जो इन लोगों का ओरिजिन है आहुम ट्रेडिशंस आहुम लोगों का जो ओरिजिन है वो अपने आप को इंद्र का वंशज मानते हैं तो उसी में वो डिबंक हो जाती है कि वो फॉरेनर होते हुए भी यहाँ जब असम में अरुणाचल प्रदेश में वो यहाँ जो अपना राज्य स्थापित किया उसके बाद अपना सनातन ट्रेडिशंस को तो वो फॉलो करते ही है साथ साथ वो आसाम में जो भी यहाँ का ट्रेडिशंस को वो लोग अपना लिए जैसे हमने पिछले एपिसोड में बताए थे कि किस तरह कुशान और सकासतरप हमने दो एग्जांपल्स दिया था हमने हिलियोडोरस का भी एग्जांपल दिया था जो ग्रीक एम्बेसडर था भागाभद्र के कोर्ट में वो एम्बेसडर थे राजा के कोर्ट में ठीक इसी तरह जो अहम्स लोग यहाँ के कल्चर के साथ बिल्कुल एसिमिलेट हो गए तो यहाँ के ट्रेडिशंस बिल्कुल अपना लिए और कुछ जो आहुम क्रॉनिकल्स है बुरंजी में इसके बारे में कि लेंगदौन जो इनका इंदिरा देव के साथ जो, जो जोड़ते हैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रेक्ट में पढ़ना चाहूंगी ये एक्सट्रैक्ट है ताई आहुम रिलीजन एंड कस्टम्स ये किताब का नाम है और इस किताब को लिखा है डॉक्टर पद्मेश्वर गोगोई ये आहुम है अहूम हिस्टोरियन है उन्होंने लिखा है एज द रूलर ऑफ हेवन

मैं बोल रही हूँ ताकि ये क्रेडिबिलिटी और होती है कि ये कौन सा बुक से से एक्सट्रैक्ट या याहूम हिस्टोरियन ने खुद लिखा है ये तो जैसे कि बताया कि चंद्रवंशी और इंद्रवंशी हमारे दो मेन मेजर जो एक वंशज है ठीक उसी तरह अहोम श्लोक अपने आपको इंद्रवंशी मानते हैं इंद्रवंशी के अलावा देववंशी भी अपने आपको कहते हैं क्योंकि देवताओं अपने आपको देवता मानते हैं देवता का वंशज है तो देवता ही मानते हैं खुद को इसीलिए वो इंद्रवंशी है और इंद्रवंशी एक आ, ये डॉक्टर पद्मेश्वर गगोई जो लेखक है जो हिस्टोरियन हिस्टोरियन है वो भी खुद कहते हैं कि पूरी भारत में शायद सिर्फ ताया हम लोग ही एक इकलौता कम्युनिटी है जो अपने आप को इंद्रवंशी मानते हैं जो हुआ डिसेंडेंट्स ऑफ इंद्र और एक एक्सटेक्ट में पढ़ना चाहूंगी इसमें द सेम बुक बाय डॉक्टर पद्मेश्वर गोगोई बुक का नाम है तायाहूम रिलीजियन एंड कस्टम्स इसमें लिखा है आय ये इंद्र का भाषा है मतलब इंद्र खुद बोलता है और वो जैसे मैंने शुरुआत एपिसोड में बताया कि किस तरह जब इंद्र ने दो लोगों को भेजा है उन्हीं का डिसेंडेंट है एक खुनलू और खुनलाई खुनलू और खुनलाई दोनों को भेजा है तब उनके उनको दो मूर्तियां दिए थे तो उनको अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करके बताया वो आहुमजी में क्रॉनिकल्स में लिखा हुआ है ट्रांसलेटेड वर्जन में डॉक्टर पद्मेश्वर गोगोई ने लॉर्ड ऑफ थंडर सेंड यू बोथ डेकेट मे खुनलोंग एंड खुनलाई वी ऑल द गॉड्स ब्लेस यू तो इसमें गॉड ऑफ थंडर ऐसे लिखते हैं तो मतलब हमारे हिंदू ट्रेडिशन में गॉड ऑफ थंडर तो एक ही है वो इंद्रदेव है लाइटनिंग एंड थंडर का देव इंद्रदेव मानते हैं और एक एक्सट्रेक्ट पढ़ना चाहूंगी इसे सेम बुक में तायाहूम रिलीजन एंड कस्टम्स बाय डॉक्टर पद्मेश्वर गोगोई इसमें वो लिखते हैं लेंगदौन वॉज द लॉर्ड ऑफ हेवन एंड वर्ल्ड लॉर्ड विल्डिंग इज दज्र तो हम जब इंद्र का डिस्क्रिप्शन देते हैं इंद्र के बारे में हम लोग जब जानते हैं तो हम लोग दो तीन चीजें अपने आप हमारे आभास होती है वो है कि इंद्र एक तो स्वर्ग का वो राजा है सारे देवताओं का राजा है यह हम हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और हम मानते हैं और जो बजरा उनका वेपन है ये भी हम मानते हैं तो ठीक इसी तरह आहुम क्रॉनिकल्स आहुम बुरंजी में भी यही लिखा हुआ है लॉर्ड ऑफ थंडर, लॉर्ड ऑफ हेवन गॉड ऑफ गॉड ऑफ देवतास और जियो वज्र को धारण करते हैं वज्र को वो एस वेपन उनके पास होता है जैसे इस एपिसोड में हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ द आहूम्स ये कहाँ से उत्पत्ति हुए इंद्र वंशी है इंद्र से ये लोग उत्पत्ति हुए और इन लोगों का जो भी अंत्येष्टि क्रिया जो अंतिम संस्कार कैसे होता है ये भी इसके बारे में भी हमने चर्चा की जो आज के दिन में जो इनका जो अंत्येष्टि क्रिया अंतिम संस्कार जो होता है वो मेजरली ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट अग्निदा ही होता है आज के दिन में तो कंप्लीटली जो है वो हिंदू रिचुअल्स को ही फॉलो करते हैं पहले सिर्फ रॉयल्टी में जैसे मैंने बताया कि भू समाधि जल समाधि और अग्निदा तीनों हमारा सनातन संस्कृति का हिस्सा है ये तीनों पद्धति से अंतिम संस्कार करते हैं तो अहूम रॉयल्टी जो राजा और रानिया और उनके जो रॉयल्टी का वंशज है वो लोग चायदियों मैदान में ये भू समाधि करते थे भू समाधि का रिचुअल्स फॉलो करते थे और आज जो आहूम्स है वो लोग अग्निदा करते हैं तो जो कॉमन हमारा हिंदू ट्रेडिशंस है अंतिम संस्कार का वही फॉलो करते हैं और हम अगले एपिसोड में जो हमारा सनातन आइडेंटिटी है वो अहोम्स को जैसे बोलते हैं कि यह सनातनी नहीं है यह हिंदू नहीं है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नमस्कार